दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। मेरा नाम है वसीम अकरम। आजकल सोशल मीडिया पे हैशटैग बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, हैशटैग बायकॉट चाइना जैसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। आप लोग में से कुछ लोगों ने इस पे अमल करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। भारत के मशहूर वैज्ञानिक फोनन वांगचुंग ने भी इस पे कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने मोबाइल फोन से चाइनीज सॉफ्टवेयर को हटा देना चाहिए और एक साल के अंदर चाइनीज हार्डवेयर को भी अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए। क्या सच में चीनी कंपनियों को भारत से निकालना इतना आसान है? लगता तो नहीं है। आज हम आपको बताते हैं कि चीन की कंपनियां भारत में किस प्रकार से हैं। चीन की कंपनियां भारत में तकनीक, कारोबारी साझेदारियां, निवेश में हैं। अगर चीन की तकनीक कंपनी की बात करी जाए तो पिछले कुछ समय से उन्होंने भारत में काफी इंटरेस्ट दिखाया है। इंडियन काउंसिल ऑफ ग्लोबल रिलेशन से जुड़े थिंक टैंक की रिपोर्ट में भारतीय स्टार्टअप में लगभग $4 अरब का चीनी तकनीकी निवेश है। भारत में 30 यूनिकॉर्न कंपनी है जिनकी कीमत 1 अरब से ज्यादा है, उसमें से 18 चीनी फंडेड कंपनी है। चीन की प्रमुख फर्म अलीबाबा ग्रुप की टेंसेंट कंपनी की भारत की कंपनियों के साथ में निवेश है। अगर सिर्फ हम अलीबाबा की बात करें तो अलीबाबा का इन कंपनियों के साथ में निवेश है। बिग बास्केट के साथ $25 करोड़ का, पेटीएम मॉल के साथ में $40 करोड़ का, paytm.com के साथ में $15 करोड़ का, स्नैपडील के साथ में $70 करोड़ का। इन सभी कंपनी का अलीबाबा ग्रुप के साथ रणनीतिक निवेश है। अब अगर अलीबाबा ग्रुप की टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड की बात करें तो उनका इन कंपनियों के साथ में निवेश है। टेंसेंट का बायजूस के साथ में $5 करोड़, ड्रीम के साथ में $11 करोड़, फ्लिपकार्ट के साथ में $30 करोड़, हाइक मैसेंजर के साथ में $15 करोड़, ओला कैब्स के साथ में $50 करोड़ और स्विगी के साथ में $15 करोड़। इन कंपनियों को चीनी कंपनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि चीन की कंपनियां सिर्फ इसमें निवेश करती हैं। इसके मेजर शेयर होल्डर्स या तो भारतीय स्टार्टअप होते हैं या फिर गैर चीनी कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे स्टार्टअप्स में सिर्फ चीनी कंपनियां ही क्यों निवेश करती हैं, भारतीय कंपनी क्यों नहीं। बताना चाहूंगा कि ऐसे स्टार्टअप्स में जरूरी नहीं है कि शुरुआत में मुनाफा ही हो। मिसाल के लिए पेटीएम को 2019 के वित्तीय वर्ष में 3,690 करोड़ का नुकसान हुआ। फ्लिपकार्ट को तो इसी वर्ष 3,837 करोड़ का नुकसान हुआ। अब अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करी जाए, 2019 की ऐप एनी रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐप्स डाउनलोडिंग में 50% डाउनलोडिंग चीनी निवेशी ऐप्स की है, जिसमें वीगो वीडियोस, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेरिट शामिल हैं। अभी तक हमने बात की निवेश और सॉफ्टवेयर में चीन की कंपनियां भारत में कहां पैर रखती हैं। अब बात करते हैं हार्डवेयर में। 2019 में चीनी ब्रांड्स के स्मार्टफोन की भारत में हिस्सेदारी 66% थी। इसमें Xiaomi, Oppo, Vivo जैसी कंपनियां शामिल हैं। हम आप में से भी किसी न किसी के पास इन कंपनियों के स्मार्टफोन होंगे। चीन भारत के कंज्यूमर्स को कंफ्यूज करने के लिए दूसरे देशों के माध्यम से भारत में निवेश करते हैं। मिसाल के लिए अलीबाबा भारत में निवेश अपने अलीबाबा सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय से करता है। इसके अलावा कई चीनी कंपनियां भारत में निवेश अपने सिंगापुर, हांगकांग, मॉरिशस के कार्यालयों से करती हैं। इतनी जानकारी के बाद में आपको पता चला होगा कि भारत में चीन की कंपनियां किस किस प्रकार से हैं और चीन की कंपनियों को भारत से निकालना कितना ही मुश्किल है। अब बात करते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की। आप देख रहे होंगे हर तरह मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, हैशटैग बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, पर इंडिया के चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने से चाइना पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? बताना चाहूंगा कि चाइना के टोटल एक्सपोर्ट में सिर्फ 3% की हिस्सेदारी इंडिया की है। यानी अगर भारत चीन से प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दे तो चाइना पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बताना चाहूंगा कि इंडिया चीन से अपने टोटल इंपोर्ट का कितना इंपोर्ट करता है। भारत अपने टोटल इंपोर्ट का 17% चीन से इंपोर्ट करता है, तो इससे भी उन पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अब बताना चाहूंगा कि लोग आजकल टिकटॉक जैसे ऐप्स की रेटिंग गिरा के चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी एक ऐप की रेटिंग गिरा के आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर सच में
आपको चीन का बहिष्कार करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमारे देश की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना होगा, हमारी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, जिसके लिए हमारी कंपनियों को चीन से निवेश ना करवाना पड़े। वो भारतीय कंपनियां ही जब उनमें निवेश करेंगी तो हमें चीन की कंपनियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे हमारे देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रांग होगा। इसी के साथ अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।